तो आज के वीडियो में काफी मजा आएगा बिकॉज आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिज्नीलैंड हांगकांग। हाँ, अरे वाह 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 वाह, जोरदार है यार ये तो इन्होंने। अरे आई वांट टू ट्राई। या डेफिनेटली, या थैंक यू सो मच। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और स्वागत करता हूँ एक नए हांगकांग चाइना सीरीज के वीडियो में। आज के वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा है, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डिज्नीलैंड ऑफ हांगकांग। जी हाँ, बचपन से बहुत तमन्ना थी, इच्छा थी कि डिज्नीलैंड के दर्शन करूँ, और स्पेशली जब से वो तारक मेहता का शो आया था, है ना, जिसमें उन्होंने डिज्नीलैंड घूमा था फिरा था, तो काफी लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार जाना है डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड वैसे तो बहुत जगह है, मतलब पेरिस में है, टोक्यो में है, अमेरिका में है ना, लेकिन हांगकांग का बहुत पुराना माना जाता है और स्पेशल माना जाता है। अब जो भी है वो देख के ही पता चलेगा। इस वक्त मैं मेरे हॉस्टल वाली बिल्डिंग से नीचे उतरा हूँ और यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाऊँगा, बिकॉज चिमचाचुई बगल में ही है मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाऊँगा लाइकिंग फोंग से उतर के एक और मेट्रो चेंज करके जाऊँगा सनी बे, फिर सनी बे से पहुँचूंगा डिज्नीलैंड। ये पूरा प्रोसेस 45 मिनट्स का लगेगा। बता दूँ कि 2019 में जब आया था उस वक्त डिज्नीलैंड नहीं गया था, बिकॉज 6,500 की टिकट थी यार, उस टाइम इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इस बार मैंने सोचा सेकेंड टाइम हांगकांग आया हूँ तो यार इसको कैसे ही अवॉइड कर सकता हूँ, है ना, इसलिए मैंने डिज्नीलैंड का प्लान बना दिया और आज पूरा दिन हम वही एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में भी। अभी बातों में आ गई है डिज्नीलैंड की स्पेशल मेट्रो, जो कि बहुत चर्चित है, मतलब लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं, मेरे को भी नहीं पता क्यों। अब आ ही रही है तो देख ही लेते हैं ना। ट्रेन को देखो। हाँ, अरे वाह 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 वाह, जोरदार है यार ये तो, मस्त ट्रेन है यार। तारीफ सुनता था वो वाकई में शानदार है, बिकॉज हर जगह ऐसा सब दिया हुआ है डिज्नी से रिलेटेड, ऐसा खिड़की भी देख लो, मस्त शेप में। $21 कटा, यानी कि ₹240 कटा चिमशा सुई से यहाँ तक 40 मिनट का। लेकिन जो भी हो, फाइनली गेट की इधर पहुंच ही गए, हांगकांग डिज्नीलैंड रिसोर्ट। अरे वाह 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 वाह। ए हेलो, ये याद है, मेरे को याद है, इधर आए थे सब तारक मेहता वाले, फोटो वोटो खिंचा रहे थे इधर। ये अरे भाई, क्या बोलती पब्लिक, सब ठीक है? ये हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं डिज्नीलैंड के धरती पर। बाहर तक आप फ्री में आ सकते हो, मेट्रो राइड भी, आप जो मेट्रो चार्ज रहता है $21 उतना देके आ सकते हो, बाहर फोटो वोटो खिंचवा सकते हो, काफ़ी पब्लिक वैसा भी करती है। और टिकट लेते हो ऑनलाइन तो वेल एंड गुड, 6,500 रुपया इंडियन करेंसी के आसपास लगता है आपका, और आप अनुभव कर सकते हो डिज्नीलैंड को। और देख लो मेरे सामने कासल, बहुत प्यारा लग रहा है ये कासल। इनफैक्ट यहाँ पे रात में 8:30 बजे लाइटिंग शो और कुछ होता है, परेड वरेड शाम को निकलती है, तो उस वक्त भी वो अनुभव करेंगे, है ना। अभी बजे है सुबह के 10:30 बजे, 10:30 बजे ही ये खुलता है, और बस अभी इतने घंटे, कितने घंटे, 8-10 घंटा पकड़ के चलो, इधर ही हम इंजॉय करने वाले हैं। ऐसा सब मस्त मस्त शॉप दिखेगा आपको, जिसमें बहुत सारा टेडी बेयर ने उससे रिलेटेड आइटम। रेट की अगर बात करूँ तो अभी देख लेते हैं ना, $299, मतलब ₹3,500, 3,200 रुपये का ये टेडी बेयर, इस हिसाब से ऐसे रेट्स मिलेंगे, जाहिर सी बात है। पब्लिक खरीदती भी है, ऐसा नहीं है कि महंगा है तो नहीं खरीदती है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है, वही बात है। ये ऐसा हेडबैंड रहता है, और दो चीज़ें आप खरीद सकते हो कुछ भी लगाने के लिए, और फिर ऐसा तैयार करके अपने हिसाब से, क्या बोलते हैं, कस्टमाइज,
कस्टमाइज बैंड बना के आप ले सकते हो। इसका $70 हांगकॉन्ग डॉलर चार्ज है और इसका भी कुछ तो रहेगा ही चार्ज, है ना, वो कंबाइन करके मतलब 200 हांगकॉन्ग डॉलर का आसपास कुछ बनेगा वैल्यू, और ये आप ले सकते हो 2000 रुपये का। ये कीचेन वगैरह है छोटे छोटे, लेकिन रेट की बात करो तो 169 हांगकॉन्ग डॉलर है, मतलब समझ रहे हो कितना होता है, 1500 से भी ऊपर, 1500 क्या उससे भी कई गुना ऊपर, 2500 का एक किचन है। चाइना विच सिटी? आई एम फ्रॉम मुंबई इंडिया। या यू फ्रॉम विच सिटी इन चाइना? शियान। ओके ओके, आई एम ट्रैवलिंग टू चाइना आफ्टर 4-5 डेज, सो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू। अब मेरे को पता नहीं फोटो के लिए ये बनाया इन्होंने। अरे आई वॉन्ट टू ट्राई। या डेफिनेटली, या थैंक यू सो मच। एक दो चीजें तो छोड़ो, यहाँ पे लोग बकेटों के बकेट शॉपिंग कर लेते हैं, मतलब हाय बेटा। ऐसा बहुत सारी गलियां है, एक गली, दो गली, तीन गली, चार गली, कोई भी गली में घुसने का या फिर मैप्स देखने का, इसका ऐप भी रहता है डिज्नीलैंड का, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो ताकि कि आपको इजीली सब पता चले। मैं तो बिना मैप बिना ऐप ऐसे ही निकल पड़ा हूँ, देखते हैं ना अगर कुछ कन्फ्यूजन या फिर दिक्कत होगी तो कर लेंगे, फिर ऐप डाउनलोड किया ही दिक्कत है उसमें, है ना। चलो वैसे इस कासल के अंदर जाके देख लेते हैं ना कि कुछ है भी कि सिर्फ रास्ता बनाया है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। सिर्फ रास्ता ही है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, हालांकि अंदर कुछ रहेगा, देखो लाइन वाइन तो लगी है, मतलब कुछ रहेगा। ये क्या है? वेल है, कुछ विशिंग वेल है, योर विशेज विल हेल्प। चलो हम भी सिक्का डाल के विश करते हैं कुछ, है ना। ये देखो वन ऑफ द मेन राइड बिग ग्रिजली माउंटेन रनवे माइनकास्ट, आप कह सकते हो रोलर कोस्टर, पूरा वो सब ऐसा जाता है पहाड़ पे जाता है फिर पहाड़ से रिटर्न मारता है, डरावना है मजेदार है, लेकिन बंद है भैया एक महीने तक, क्या ही कहे अभी। क्या हो गया, ये क्या है भाई? ए ए, मेरे टाइम इतना जोर जोर से करना जरूरी था क्या? सोलो ट्रैवलिंग के सच कह रहा हूँ बहुत फायदे भी होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन होती है फिर भी ये पूछते हैं कि भाई एक आदमी कौन है कौन है, तो बोलने का अपन है अपन है, तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, वही बात है। हाय ये फोन कैमरा कोई अलाउड नहीं है, तो उस तरफ जाना पड़ेगा सब रखने को। ये सच में मजेदार राइड थी, बहुत मजा आया मेरे को। ऐसा जब भैया ऊपर जाता है ना तब ऐसा लगता है कि बस हो गया, फिर पेट में जो गुड़गुड़ होती है ना भाई साहब, बहुत अच्छा लगा ये राइड। ये राइड के लिए भी मजेदार है, सिंगल हो तो अलग लाइन है, देख लो ये सब पूरे ग्रुप्स में हो या फिर दो लोग भी हो तो पूरा इतना लाइन है ना, कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा वेटिंग है, सच कह रहा हूँ। इनफैक्ट मैं खुद 15 मिनट वेट किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि सिंगल की अलग लाइन होती है, फिर मैं आ गया और बस 10 मिनट में आने का अवसर मिल गया मेरे को। वैसे गर्मी देख रहे हो ना शक्ल पे दिख रहे, एकदम 12 बज गए और टाइम भी देखू तो 12:15 हो गए। जोरदार यार, जोरदार एकदम फ्री फॉल। ओए तेरी, ओए अटका दिया ऊपर, अरे नीचे रोको, अरे नीचे डाल। चलो अभी अपन क्या करेंगे, कुछ खा पी लेंगे, वेजिटेरियन ढूंढेंगे खाना कुछ मिलता है खा लेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा, उसके बाद नए राइड्स में बैठेंगे, है ना। उसके बाद शाम में तो वो शो परेड सब होगा ही। तो अगर खाने पीने की बात करूँ डिज्नीलैंड हांगकॉन्ग में तो 7 से 8 रेस्टोरेंट्स है, लेकिन मैं आ गया हूँ स्टार लाइनर टुमारोलैंड में, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ एक वेजिटेरियन ऑप्शन है, ये दिख रहे प्लांट बेस्ड बर्गर कॉम्पो, लेकिन जो बन होता है ना उसमें भी एग होता है, ये लोग पहले बताते नहीं है बिकॉज इनको भी बेचारों को पता नहीं कि वेजिटेरियन पूरा होता क्या है, इनके लिए अंडा भी वेजिटेरियन होता है, लेकिन जब आप पूछते हो कि नो फिश ऑयल नो पोर्क ऑयल नो एग, तभी वो बताते कि नहीं बन में तो लेकिन एग है,
लेकिन फिर मैंने कहा तो वो लोग मेरे लिए सेपरेट में ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहे जिसमें ये बन वन ना हो, सिर्फ ये प्लांट बेस्ड की पैटी हो, प्लांट से बनी हुई पैटी, फ्रेंच फ्राइज और वो कोक, ये हो सके। 140 हांगकॉन्ग डॉलर का है, मतलब आप कह सकते हैं 1500 रुपये का है। लेकिन मैं बता दूं कि इतनी बड़ी जो एक घंटे की लाइन है ना, जी हाँ, इसके लिए भी लाइन है एक घंटे की, बाहर तक पूरा लाइन है ठेठ, तो उसमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैं सिर्फ इंक्वायरी करने आया था। इन बिचारों ने मेरे को कहा कि वापस आपको लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहीं से दे देंगे। ये एक मेरा प्लस पॉइंट हो गया। सो दिस इज अ प्लांट बेस्ड पैटी, राइट? ओके, सो नो एग, नो फिश ऑयल, नथिंग? यू सी दिस वन? ओके, अंडरस्टूड। इंग्रेडिएंट्स इन फ्राई इन सेपरेट ऑयल, फ्रेश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल? ओके, कूल, थैंक यू सो मच। इंग्रेडिएंट्स फॉर सॉस? फॉर द सॉस अक्वा। फूड वॉज नॉट बैड, मतलब इतना टेस्टी नहीं था, बिकॉज टेस्टलेस ही था, स्पेशली वो क्या बोलते हैं टिक्की जो प्लांट की थी ना, वो तो टेस्टलेस ही थी। एवोकाडो का ही टेस्ट आ रहा था जो सॉसेज लगा रहा था। एनी वेज प्रोटीन की जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत थी, वो मिल गई मेरे को। और वैसे तो 7-Eleven से 13 हांगकॉन्ग डॉलर का मैंने सुबह नारियल पानी भी ले लिया था बॉटल में, जो कि 140 रुपये का हो गया। एनी वेज, जब एक इन्फ्लुएंसर दूसरे इन्फ्लुएंसर से मिलता है तो दोस्ती यारी हो जाती है, वही बात है। इनसे मिलिए, वनोवा जी, ये हांगकॉन्ग की एक मशहूर इंस्टाग्रामर है। और इन्होंने मेरे को कहा कि क्या क्या राइड्स आपने की, मैंने कहा कि एक दो राइड ही की है, ज़्यादा किया नहीं है, रोलर कोस्टर जो करना था वो बंद है। इन्होंने कहा कि एक और रोलर कोस्टर है, उसमें जाते हैं और वो अनुभव कर लेते हैं। मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यू लिव इन हांगकॉन्ग ओनली, राइट? या। ओके, व्हाट इज दिस, दिस डंडा? दिस इज अ लाइफ सेवर। लाइफ सेवर, क्या लाइफ सेवर? लाइक अ लाइट सेवर। लाइट, अच्छा लाइट। या, अच्छा लाइटें आती है फ्रॉम स्टार वॉर्स। यू आर मार्वल फैन? अच्छा, स्टार वॉर्स रोलर कोस्टर। ओके, दिस इज द क्यू, राइट? ओके, लेट्स गो। बहुत बड़ी लाइन है, टाइम पास कैसे करें? अच्छा, डंडा निकाल, लाइट लगाओ ना, लाइट, इससे ही टाइम पास करेंगे और क्या। अच्छा, अंधेरे में ही दिखता है, इधर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे वाह, यह जोरदार है यार, मजा आ गया। अच्छा, वाह 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 वाह, दिखने में तो अच्छी है ये राइड, पता नहीं अभी कितनी फास्ट कितनी स्लो। ओए तेरी, अंधेरा ही अंधेरा है भैया, फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। ओए ओए, वनोवा, यू टोल्ड इट्स नॉट सो फास्ट, बट इट वॉज फास्ट। इट ओके, बट आई थॉट इट्स नॉट सो फास्ट, सो दैट्स व्हाई आई वॉज लाइक हैप्पी विद द कैमरा फोन एंड ऑल, लाइक, क्योंकि फोन वगैरह अलाउड नहीं है ना, कैमरा वगैरह, ये लोग बोलते हैं। लेकिन जैसी गाड़ी चलती है, स्टार्ट होती है, तो अपन चुपके से निकाल सकते हैं। मैंने भी वही किया, मेरे को कौन सा पता था इतनी फास्ट हो जाएगी, और ओए ओए ओए, इधर उधर, परफेक्ट रोलर कोस्टर राइड थी। आयरन मैन, अच्छा वो वाला आयरन मैन। So Vanova, thank you so much for the time you gave me and specially for the recommendation of that roller coaster ride. Have a great time. Bye bye. जंगल रिवर क्रूज में, जो कि वेटिंग बहुत था, मतलब 35 मिनट्स का वेटिंग था।
बोलते हैं घाटे का सौदा बनिए की भाषा में, बिकॉज 35-40 मिनट वेट करो और 5 मिनट की ये राइड। ठीक है, कोई बात नहीं। बाय बाय, सेम हियर। ये क्या फेरी टेल फॉरेस्ट? चलो जंगल भी देख लेते हैं फेरियों का, फेरी लोग का, जो भी है। अब बज रहे शाम के 6:30 और वातावरण को तो साथ मिल ही रहा है, मतलब धूप अभी है नहीं तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप देखोगे ना हर जगह लोग बैठे हुए भी मिलेंगे। इसका कारण ये कि 8 बजे शाम को यहाँ पे फायरवर्क्स और बेहतरीन सा शो होता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा भी था अर्थ का सबसे ब्यूटीफुल शो कुछ होता है, तो वही मैं कह रहा हूँ 8 बजे होता है, जिसकी वजह से 1.5-2 घंटे पहले ही लोग बैठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सीट मिस नहीं करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते दूर बैठना। ये आप समझ रहे हो, बस वही बात है। अगर 8 बजे अगर आओगे तो पक्का इधर तो कुछ छोड़ो खड़ा भी रहने नहीं मिलेगा, एकदम दूर दराज किधर से दिखेगा शो। कांट सिट बियॉन्ड दिस लाइन, ओके दिस इज द लाइन, जस्ट 6:30, 1.5 आवर पेंडिंग स्टिल। वैसे सच कहूँ तो लोग थक भी गए काफी, इसलिए बैठना ज्यादा प्रीफर कर रहे, क्योंकि एक तो धूप की मार हो रही थी तो अभी एकदम छाव हो गया, ठंडा मौसम हो गया तो बैठना अच्छा लग रहा है उनको, वही बात है। ये देख लो ये गली कितनी प्यारी लग रही है ना। सवा 7 बज गए और मैंने सोचा आ ही जाता हूँ, है ना, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। ये देख रहे हो आप कितना कलरफुल लग रहा है। एक भाई साहब यहाँ पे आए थे, मतलब वही स्टाफ, और उन्होंने कहा कि 7:30 को सब खड़े हो जाना, ऐसा नहीं कि 8 बजे चालू होगा तो 8 बजे खड़े हो जाओ, 7:30 बजे खड़े हो जाना ताकि के जगह बने और पीछे वालों को भी थोड़ा आगे आने का अवसर मिले। मेरे को पता नहीं मेरे पीछे कितने हैं, अरे बाप रे पूरा ही भर गया है ना, लेकिन मेरे को सनसेट वगैरह बहुत ही प्यारा लग रहा है, सच कह रहा हूँ। वाह, हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? Kitty. Yes. Oh wow. Chow Sin. You both from Hong Kong? I'm from Hong Kong. You're from Hong Kong. Shenzhen. Ah, Shenzhen, mainland China. Mm-hmm. Perfect. Is it good like this much crowd every time in Disneyland? I don't think so. That is. Maybe on Friday. Today's Friday. That's why more crowd. It's better than weekends. Better than weekends. Oh, okay. मोस्ट क्रेजी थिंग आई हैव एवर सीन, यार सच कह रहा हूँ, मतलब बहुत चीजें देखता हूँ दुनिया घूमता होता, लेकिन ये वन ऑफ दोस बेस्ट थिंग है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, मतलब आगे खड़े रहने का फायदा तो है कि मतलब आपको शो अच्छे से नजदीक से देखने मिलता है, लेकिन पता है ड्रॉबैक क्या है, वापस जब एग्जिट मार रहे हैं ना जाना है ना, माय गॉड पूरा भीड़ देख रहे हो,
कितनी सारी भीड़ है अभी वो एग्जिट मार के फिर मेट्रो पकड़ना, तो सोचो कितनी भीड़ रहेगी वापस, क्योंकि हर कोई अभी मेट्रो पकड़ के ही जाएगा ना, लगभग 90% पॉपुलेशन। सो गाइज, आज का हमारा जो डिज्नीलैंड का सफर था, जो एक्सपीरियंस था, यहीं पे समाप्त होता है, बिकॉज 8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे बंद हो जाता है, जैसे ही वो फायरवर्क्स वगैरह खत्म होते हैं सब बंद हो जाते हैं, पब्लिक भी अपने घर या फिर होटल की तरफ रवाना हो जाती है ना, हम भी मेट्रो की तरफ ही जा रहे हैं टू कैच ट्रेन बैक टू शिमशाशुई। एनीवेज, अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो, सच कहो तो डिज्नीलैंड की इसमें कोई गलती नहीं है, वेदर मौसम ही ऐसा है ना, जून का महीना में इतनी गर्मी, बाप रे, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई, यहाँ पे डिज्नीलैंड में आना तो पानी वानी जूस वूस सब लेके आना, बिकॉज यहाँ पे 30 हांगकांग डॉलर की पानी की बोतलें मैंने धो ली, लेनी पड़ी, क्या करूँ, गर्मी इतनी है ना, तो वही बात है, यहाँ पे रिफिल का भी ऑप्शन नहीं है पानी का, तो आपको ठंडा पानी खरीदना ही पड़ता है, 330 रुपये की 1 लीटर की पानी की बोतल, क्या ही कहना। एनीवेज, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो राइड्स कम है ना, अपने इंडिया में 4 गुना कम पैसा लगता है इससे, लेकिन राइड्स ज़्यादा रहती है, लेकिन वही बात है, जगह जगह की कीमत होती है। यहाँ पे आप राइड्स के हिसाब से मत आना, अगर डिज्नीलैंड आ रहे हो तो इसमें राइड्स के हिसाब से सोच के मत आना, बस वो जो फैंटेसी होती है ना, जो कंस्ट्रक्शन है, जो लोग है, जो आपका व्यवहार होगा, ऑटोमेटिक चेंज वहाँ जाके वगैरह, मतलब जाहिर सी बात है जगह जगह पे इंसान अपना रंग बदलता है, वही बात है। ये आ गए हम बातों बातों में मेट्रो स्टेशन, और आई होप आपको भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैंने बताने की पूरी कोशिश की डिज्नीलैंड है ना, स्पेशली लास्ट का जो फायरवर्क शो था बहुत प्यारा था, बहुत अमेजिंग था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, कल वापस हांगकांग में हम कुछ और करेंगे, और मजा आएगा है ना, लव यू ऑल, बाय बाय।